तो यार फाइनली बालों को उड़वा दिया है और जो पहले वाला लुक था वही वापस हमने ग्रैब कर लिया है। और लेंथ की बात करें तो बालों की लेंथ यहाँ चिन तक आ रही थी मेरे, बट यार उन्हें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर यार मन बना लिया कि कटवा लेते हैं, कुछ नहीं देखा जाएगा। काफी 9-10 महीने से मैं कैरी कर रहा था उस वाले लुक को और बस मन में आया और कटवा लिया। एंड बेसिकली आज है दिवाली, सो आप सभी व्यूवर्स को एंड आपकी फैमिलीज को और आपके फ्रेंड्स को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। और ये वाली दिवाली आप सभी के लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। आज दिवाली है तो प्रिपरेशन करना तो बनता है, तो अभी हम फिलहाल लाइटनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आया हूँ टॉप फ्लोर पे, ऊपर वाली छत पे। शायद ही आपको कभी दिखाया होगा मैंने व्लॉग्स में इस वाली छत को। तो अभी क्या करेंगे, फटाफट से इन लाइटिंग को लगाएंगे और उसके बाद काफ़ी सारे काम पेंडिंग है सारे करने हैं शाम होने से पहले तक। तो फटाफट से करते हैं इनको इंस्टॉल और देखते हैं कैसे कुछ क्या कुछ सेट बैठता है। अगर कुछ एक आध कम पड़ती है तो मार्केट जाके फिर दोबारा से नहीं लेके आनी पड़ेगी। इस हाइट से यहाँ पे वर्क करना काफ़ी थोड़ा सा डरावना लगता है। अब ये रेलिंग है सेफ्टी के लिए और इसके जस्ट आगे इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बैठ के, इस कॉर्नर पे बैठ के मैंने ये लाइट्स लगाई हैं। तो नीचे देखिए कितनी हाइट है, यहाँ से देखने में भी डर लगता है। हेक्टिक भरा दिन रहा, जैसे लाइटनिंग की उसके बाद रंगोली बनाई और इतनी अल्टीमेट वाली बनी है ना, एक बार आप चेक कीजिए और आप खुद ही बताइए मेरे को कमेंट सेशन में कि कैसी बनी है। मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया और फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छा, मतलब आप खुद ही देखिए यार, मैं क्या बताऊँगा। इस दिवाली फायर क्रैकर्स बैन है और वैसे भी यार मैं तो बहुत कम ही चलाता हूँ, नहीं चलाता, तो मैंने सोचा इस बार रंगोली बनाई जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए। और उसके बाद लाइटनिंग वगैरह का सारा कुछ अपने हाथों से किया तो पूरा दिन चला गया। और अब फाइनली उसके बाद किया है लक्ष्मी पूजन। यकीन मानिए सुबह से 5 मिनट भी बैठ के नहीं देखा है मैंने। और अब यार थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और देखते हैं फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आए होंगे, उनके भी रिप्लाई करने हैं, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो यार कल नाइट को ना इतना मतलब बुरे गंदे वाला फ्लैट आउट हुआ कि उसके बाद उठना मुश्किल हो गया और सो गया था मैं। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को नेक्स्ट डे। और दिवाली अपनी काफ़ी अच्छी रही, होप सो आप सभी की फैमिलीज़ ने भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। एंड इस बार चेंज थोड़ा ये देखने को मिला कि फायर क्रैकर काफ़ी कम चले, बहुत कम नाम मात्र, तो मेरे को लगता है यार इस तरीके की होनी चाहिए, असल में फेस्टिवल यही होता है। तो ये था गाइज हमारा दिवाली का व्लॉग। सो आपसे मुलाकात होगी फिर से एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।